दोस्तों, एक लड़का एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है। जब वो लड़का अंदर जाता है तो देखता है कि एक महिला बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही हसीन अपने चारपाई पर सो रही थी। दोस्तों, अब वो लड़का अंदर जाता है और इधर उधर नज़र घुमाता है, लेकिन उस लड़के को उस महिला के अलावा उस घर में और कोई नज़र नहीं आता है। दोस्तों, अब वो लड़का जो काम करने के लिए उस घर में गया था, उस काम को वो भूल जाता है और उसी महिला को वो घूरने लगता है। दोस्तों, कुछ देर घूरने के बाद अब वो लड़का उस महिला के करीब चला जाता है और उसको इधर उधर वो छूने लगता है। दोस्तों, अब जो महिला थी उसकी आंखें खुल जाती है। अब उसको ऐसा महसूस होता है कि उससे कोई छू रहा है, लेकिन वो महिला जैसे ही जागती है वो लड़का उसी के चारपाई के नीचे सरक जाता है। दोस्तों, अब जो महिला थी वो काफी डरी हुई थी। फिर से उसे ऐसा लगता है कि शायद वो बुरा सपना देखी थी और वो लेट जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रोचक है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले की और यह कहानी है साल 2021 के दिसंबर महीने की। दोस्तों, उत्तराखंड के ही एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव होता है। वो गांव बहुत ही छोटा होता है, लगभग 30-25 घर ही होते हैं उस पहाड़ी में। दोस्तों, एक रात रात के लगभग 2 बजे के करीब एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है। दोस्तों, जब वो चोर उस घर में जाता है तो उस घर से 10,000 रुपये कैश, एक पायल और एक अंगूठी लेकर वहाँ से चुपचाप निकल आता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद उस घर के लोग जाग जाते हैं और गांव में शोर मचने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो चोर तब तक वहां से बहुत दूर चला गया था। अब बहुत दूर जाने के बाद वो चोर यह सोचता है कि आज छोटा मोटा रकम ही हाथ लगा है, कोई दूसरा घर भी देख लेता हूँ। दोस्तों, अब जो वो चोर था, जाते जाते उसको एक 2 कमरे का घर दिखाई देता है। अब जो वो चोर था उस कमरे के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, जब वह चोर उस घर में घुसता है तो उस घर में हल्की हल्की लाइट जल रही थी, यानी कि 0 बल्ब जल रहा था। अब घर में हल्का हल्का सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। दोस्तों, अब वो चोर था अंदर के कमरे में चला जाता है। जैसे ही अंदर के कमरे में जाता है वो देखता है कि चारपाई पर एक बेहद ही खूबसूरत नौजवान औरत, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की रही होगी, वो अपने चारपाई पर सो रही है। दोस्तों, अब वो चोर जब उस महिला को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। अब वो जिस काम के लिए गया था उस घर में, उस काम को भूल जाता है, बस उसी महिला को वो निहारने लगता है। दोस्तों, कुछ देर देखने के बाद अब वो चोर उस घर में इधर उधर नज़र घुमाता है, लेकिन दोस्तों उस महिला के अलावा उस चोर को उस घर में और कोई नज़र ही नहीं आता है। दोस्तों, अब थोड़ी देर के बाद वो चोर जाता है दूसरे कमरे में। दोस्तों, अब जो वो चोर था वो दूसरे कमरे में चला जाता है। जब दूसरे कमरे में जाकर देखता है तो उस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था, बस किचन का सारा सामान था और कुछ डब्बे रखे हुए थे। दोस्तों, अब वो चोर आहिस्ता से उस डब्बों को खोलता है। जब डब्बों को खोलता है तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। किसी डब्बे में चावल था तो किसी में दाल था तो किसी में आटा था। अब वो चोर आहिस्ता से उन सब डब्बों को बंद कर देता है और फिर से आ जाता है उसी कमरे में, जिस कमरे में वो महिला सोई हुई थी। दोस्तों, अब जो वो चोर था धीरे धीरे उस महिला के पास चला जाता है, उसके चारपाई के पास खड़ा हो जाता है और लगभग गौर से 5 मिनट तक उस औरत को निहारने लगता है। दोस्तों, कुछ देर निहारने के बाद अब वो चोर उस महिला के ऊपर हाथ फेरने लगता है, यानी कि उसको इधर उधर टच करने लगता है। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं उस महिला को आभास हो जाता है कि उसको कोई छू रहा है। दोस्तों, अब अचानक वो महिला अपनी आंखें खोलती है। वो महिला जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो चोर फटाक से उसकी चारपाई के नीचे सरक जाता है। दोस्तों, अब वो महिला काफ़ी घबरा जाती है और उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके सामने कोई खड़ा था और उसे छू रहा था। दोस्तों, अब वो महिला इधर उधर कमरे में देखती है लेकिन उसको कोई नज़र ही नहीं आता है। अब वो महिला अपने ही बगल में रखा पानी का जग उठाती है और एक गिलास पानी पीकर वो फिर से सो जाती है। दोस्तों, अब इसी तरह से लगभग भोर का वक्त हो जाता है, सुबह के लगभग 3:30-4 बज जाते हैं। अब जो वो चोर था उसी चारपाई के नीचे वो सो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ही गहरी नींद आ रही थी और वो बहुत थका हुआ था। अब वो भी वहीं पर नींद में सो जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। दोस्तों, अब जो वो खूबसूरत औरत थी वो एक विधवा थी और उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। उसका नाम था रेनू।
दोस्तों अब रेनू जब सुबह सुबह उठती है तो उसका आदत होता है कि पहले वह झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई करती है। अब रेनू घर का दरवाजा खोलती है और झाड़ू लेकर पहले आंगन में चली आती है। जब वो आंगन में आती है तभी उसके घर के सामने से दो औरत जा रही थी पहाड़ियों पर बाथरूम करने के लिए। अब वो दोनों महिला रेनू को देखकर वहां पर रुक जाती है। दोस्तों अब दोनों औरत रेनू से कहती है कि रेनू तुम्हें पता है कल रात गांव में एक चोर आया था और फलाने के घर में बहुत सारा सामान चोरी करके ले गया है और साथ ही बहुत सारे कैश भी था। दोस्तों जब रेनू यह बात सुनती है तो एकदम से डर जाती है। अब उसको कल रात की बात याद आने लगती है कि उसको ऐसा महसूस हुआ था कि कोई उसके सामने खड़ा था और उसे टच कर रहा था। दोस्तों अब वो महिला कहती है कि तुम अपने घर की अच्छे से चेक इन कर लो, कहीं तुम्हारे घर से तो कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। दोस्तों अब जो रेनू थी वो बहुत घबरा जाती है और उसी वक्त वो अपने घर के अंदर चली जाती है और जाकर सभी तरफ देखने लगती है। दोस्तों जब रेनू की नज़र उसके चारपाई के नीचे पड़ती है तो वो चोर उसके चारपाई के नीचे ही सोया हुआ था। दोस्तों अब उसे देखकर रेनू एकदम से डर जाती है, घबरा जाती है। एक पल के लिए रेनू सोचती है कि वो अब बाहर जाकर शोर मचाएगी और लोगों को बुलाएगी, लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले उसी गाँव में एक चोर और पकड़ा गया था। उस चोर की गाँव वालों ने इतनी पिटाई की कि वो चोर मर गया। दोस्तों अब यही सोचकर रेनू डर जाती है और उसको चोर के प्रति दया आ जाती है। अब जो रेनू थी शोर नहीं मचाती है बल्कि झाड़ू से ही उस चोर के ऊपर मारती है और कहती है कि उठो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। दोस्तों अब जो वो चोर था एकदम से घबरा जाता है। दोस्तों दरअसल उस चोर का नाम था मनोज। अब वो जो चोर था एकदम से घबरा जाता है और घबरा कर बाहर निकलता है। बाहर निकल कर जैसे ही जाने की कोशिश करता है, मेन गेट से भागने की कोशिश करता है, वो रास्ते की ओर देखता है कि रास्ते से चार पांच लोग आ रहे हैं बड़े बड़े डंडे लेकर। दोस्तों अब जो वो चोर था वो फिर से अंदर की ओर आ जाता है और रेनू के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कुछ लोग आ रहे हैं मेरी ओर मुझे मारने के लिए। दोस्तों अब जो रेनू थी वो एकदम से डर जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो चोर की मदद करेगा या फिर गाँव वालों को बता देगी। दोस्तों लेकिन किसी तरह से रेनू बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती है तो वह चार पांच लोग आ जाते हैं रेनू के घर के पास और रेनू से पूछने लगते हैं कि रेनू यहाँ पर कल रात को चोरी हुई है इस गांव में और बहुत बड़ी चोरी हुई है और चोर अभी भी इसी गांव में है, वो बाहर नहीं गया है। दोस्तों इस बात पर रेनू कहती है कि आप लोगों को कैसे पता कि चोर बाहर नहीं गया है, चोर तो रात को ही चोरी करके बाहर चला गया होगा। लेकिन दोस्तों वो गाँव के लोग कहते हैं कि नहीं, वो बाहर नहीं गया है, इस गाँव के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवीज लगा हुआ है, हम लोगों ने सीसीटीवीज को देखा है, उसमें चोर अंदर आते हुए दिखा लेकिन बाहर जाते हुए वो नहीं दिखा है। जब वो अंदर की ओर आया था तो अपने मुंह को एक गमछा से ढका हुआ था लेकिन बाहर जाते हुए उसमें नहीं दिखा रही है, वो चोर इसी गांव में है और कहीं पर छिपा हुआ है। दोस्तों अब रेनू कहती है कि ठीक है, अगर मुझे वो दिखेगा, कहीं भी दिखा, तो मैं शोर मचाऊंगी और आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी। दोस्तों उसके बाद जो गाँव के लोग होते हैं वो चले जाते हैं वहां से। दोस्तों अब जो रेनू थी वो घबराते हुए अंदर जाती है और उस चोर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पर हो और गांव के लोगों को पता चल गया कि मैंने तुम्हें छुपा कर रखा है तो बहुत बवाल हो जाएगा, गांव के लोग मेरे ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े कर देंगे, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब जो वो चोर था वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस मुझे कुछ घंटों के लिए यहाँ पर रहने दीजिए, जैसे ही रात होती है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। दोस्तों अब जो रेनू थी वो उस चोर से पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की और कितने की चोरी की है। दोस्तों अब जो वो चोर था वो कहता है कि मैं पैदाइशी चोर नहीं हूँ, दरअसल मेरी कुछ मजबूरी थी इसीलिए मैंने चोरी की है, मैंने बहुत सारे पैसे जुए में हार गए अपने घर के और इस वजह से जितने भी कर्जदार हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, बस इसीलिए मैंने यह रास्ता अपनाया कि चोरी कर मैं उन लोगों का कर्ज दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा मुझे पता नहीं था। दोस्तों अब जो वो रेनू थी वो कहती है कि तुमने यही रास्ता क्यों अपनाया, तुम काम करके भी दे सकते थे। दोस्तों अब जो वो चोर था वो कहता है कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या घुस गया था जो मैंने यह रास्ता अपनाया, तुमने क्या क्या चोरी की है, यह रेनू पूछती है। दोस्तों अब जो चोर था वो कहता है कि मैंने एक पायल, एक अंगूठी और 10,000 कैश चोरी किए हैं। दोस्तों जब रेनू यह बात सुनती है तो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि कोई इतना साहसी कैसे हो सकता है कि किसी के घर जाकर इस तरह से सामान चोरी कर ले।
दोस्तों अब रेनू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें इसी कमरे में बंद करके जा रही हूँ बाहर, अपना काम वगैरह करती हूँ, नाश्ता बनाकर फिर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। दोस्तों उसके बाद रेनू उस चोर को उसी कमरे में बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। उसके बाद रेनू बाहर निकलती है, अपने घर का सारा काम करती है, नहाती धोआती है, उसके बाद चाय रोटी बनाती है। चाय रोटी बनाने के बाद वो जाती है उसी कमरे में और चोर को देती है वो चाय रोटी खाने के लिए। दोस्तों अब जो वो चोर था उससे जोर की भूख भी लगी थी, रेनू चाय रोटी देती है वो खा लेता है। खाने के बाद फिर से रेनू उस कमरे में ताला लगा देती है और आकर बाहर अपना काम करने लगती है, दोपहर का खाना बनाती है। दोस्तों अब दोपहर का भी खाना ले जाकर रेनू देती है उस चोर को खाने के लिए। अब जो वो चोर था दोपहर का भी खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद रेनू फिर से उस कमरे में ताला लगा देती है और बाहर आकर अपना काम करने लगती है। दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद गांव की कुछ औरतें आती है रेनू के घर में रेनू से बातचीत करने के लिए। अब वो उस कमरे में बैठकर बातें कर रही थी, बातों ही बातों में एक महिला की नज़र पड़ जाती है उस कमरे में जिसमें ताला लगी हुई थी। अब वो महिला पूछती है रेनू से कि तुमने इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है। दोस्तों अब यह बात सुनकर रेनू घबरा जाती है। उसके बाद रेनू कहती है कि दरअसल तुम्हें तो पता ही है कि गांव में चोर आया हुआ था और बहुत सारी चोरी करके गया है, बस मैंने डर से ताला लगा कर रखा है। मेरे घर में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत सामान है वो भी कहीं ना ले जाए, इसलिए मैंने ताला लगा दिया है। दोस्तों इस तरह से रेनू बात को पलट देती है। दोस्तों अब वो सभी महिला कुछ देर रेनू से बातें करती है। बातें करने के बाद वो सभी महिला वहाँ से अपने अपने घर चली जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है, शाम से रात हो जाती है। रेनू रात का खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद उस चोर के लिए भी खाना निकालती है और अपने लिए भी खाना निकालती है। खाना निकालने के बाद उस कमरे का वो ताला खोलती है और चोर को बाहर आने को कहती है। वो बाहर आता है तो कहती है कि लो खाना खा लो, खाना मैंने निकाल दिया है। दोस्तों अब दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। दोस्तों अब खाना खाते वक्त रेनू उस चोर से पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या। तो वो चोर कहता है कि नहीं मेरी शादी अभी नहीं हुई है। दोस्तों उसके बाद वो चोर रेनू से पूछता है कि आप इस घर में अकेली रहती हैं क्या, आपका कोई नहीं है। दोस्तों रेनू कहती है कि नहीं मेरा कोई नहीं है, कुछ सालों पहले मेरे पति की मौत हो गई। दरअसल वो बहुत शराब पिया करते थे और एक दिन इतने शराब पिए हुए थे कि उनको होश नहीं था चलने का, वो पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। पति के मरने के बाद से मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। दोस्तों अब दोनों बात करते करते खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों घंटों घंटों बातें करते हैं। दोस्तों बातों ही बातों में अब रेनू के भी मन में उसके प्रति भावनाएं जागने लगती है। दोनों लगभग रात के 1 बजे तक बातें करते हैं। जब रात के 1 बज जाते हैं तो रेनू कहती है कि देखो रात बहुत हो गई है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, गाँव के सभी लोग सो गए हैं, अगर कोई तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों वो चोर कहता है कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सामान चोरी की है वो आप रख लीजिए, आपको काम आएंगे। दोस्तों जो रेनू थी वो मना कर देती है और कहती है कि ये सामान मैं नहीं रख सकती, तुम परेशानी में हो, तुम ले जाओ, तुम्हें बहुत काम आएंगे। दोस्तों अब जो वो चोर था रात के 1 बजे रेनू के घर से निकलकर चला जाता है। अब धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो गांव में शोर मचने लगता है और एक खबर फैलने लगती है कि जो चोर फलाने के घर से चोरी करके गया था वो सारा सामान उसके घर के आंगन में ही फेंक कर चला गया है। अब सभी लोग जाते हैं उस सामान को देखने के लिए कि आखिर चोर क्या क्या सामान लेकर गया था। दोस्तों जब गांव के लोग जाते हैं वहां पर देखने के लिए तो वहां पर मिलता है 10,000 रुपया कैश, एक पायल मिलता है बच्ची का और एक अंगूठी होता है। अब जो रेनू थी वो भी चली जाती है देखने के लिए। वहां जब रेनू जाती है तो उस घर का जो मालिक था वो रो रो कर कह रहा था कि चोर पूरा सामान देकर नहीं गया है, लगभग 3 लाख रुपये था वो भी लेकर गया है। लेकिन दोस्तों रेनू समझ गई थी कि वो चोर आखिर क्या क्या लेकर गया था। जो सामान आंगन में पड़ा था बस वही सब था, क्योंकि रेनू को वो पहले ही बता चुका था। दोस्तों अब रेनू वहां से अपने घर आ जाती है और अपने घर का कामकाज करने लगती है। लेकिन दोस्तों जो रेनू थी उसे उसकी याद सता रही थी। अब वो हमेशा उसी के बारे में सोचती थी कि आखिर कैसा अजनबी था जो इस तरह से मुझसे मुलाकात करके गया और मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। दोस्तों इसी तरह से लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और इन 6 महीनों में रेनू को वो लड़का हमेशा याद आता था।
दोस्त, अब इसी तरह से देखते देखते लगभग एक साल का समय गुजर जाता है। अब एक साल के बाद अचानक से वो लड़का मनोज, जो उस गांव से चोरी करके गया था, उसी गांव में आ रहा था और वो रेनू से मिलने के लिए ही आ रहा था। दोस्तों, अब वो लड़का मनोज जैसे ही रेनू के घर में आता है और रेनू उसे अचानक से देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अब रेनू का मन कर रहा था कि वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोए, लेकिन दोस्तों रेनू की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब रेनू कहती है कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का कहता है कि दरअसल मैं वहां से चला गया था उत्तराखंड काम करने के लिए, और वहीं पर मैं काम कर रहा था। कुछ सालों के बाद मैं अपने घर आया अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए, तो सोचा मैं आपसे भी मिलता चला जाऊं, बस इसलिए मैं आपके घर आया। दोस्तों, कुछ देर रेनू उसे घूरते रहती है, उसके बाद वो उसके गले से लिपट जाती है। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। रेनू उसके लिए चाय नाश्ता लगाती है, वो लड़का चाय नाश्ता करता है, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, घर जाने के बाद अब आए दिन वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। लगभग कई महीनों तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। अब उन दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, अब काफ़ी वक्त के इंतज़ार के बाद साल 2023 में वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपने आगे की ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोज़ में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पंकज कुमार आगरा उत्तर प्रदेश से, मेजर साहब यूनुस अहमद सऊदी अरब से, श्याम प्रकाश कुशवाहा पत्नी सुमन कुशवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से, अबू सैफ अंसारी आयुब अंसारी उत्तर प्रदेश से, इरफान खान मालेगांव महाराष्ट्र से, पूना लाल कुमार पत्नी किरण कुमारी वैशाली बिहार से, आर्यन खान मिंटी से, राज कोलकाता से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, रमेश बोरा असम से, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, बादशाह भाई महाराष्ट्र से, असलम साद गोपालगंज बिहार से, इस्लाम अंसारी बरेली उत्तर प्रदेश से, अब्दुल मन्नान अंसारी बिलासपुर से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।